धनकौर में हर साल की तरह इस बार भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में कई बड़े कवियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सुनहरी लाल तुरंत, भुवन मोहिनी, मनीषा शुक्ला, शंभू शिखर, पार्थ नवीन, अशोक चारण और धनकौर के ही पवन दीक्षित ने कविताएं सुनाकर लोगों का मनोरंजन किया। अशोक चारण, जिसने मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, इस पर लोगों की वाहवाही लूटी। वहीं पवन दीक्षित के सारे काव्य लोगों ने सराहे। इसके अलावा भुवन मोहिनी, शंभू शिखर ने भी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। यह है कवि सम्मेलन, जो रात को 10 बजे शुरू होकर 3 बजे तक चला। इसमें काफ़ी संख्या में भारी भीड़ जुटी। कि जब कोई सहायता ना करे तो अपनी साधना सहायता करती है। मैं उस साधना की कामना आप लोगों से आमंत्रित करता हूं और इस कवि सम्मेलन को शुरू करना है। एक बार कवियों से आपका परिचय करा दूं, बहुत ठीक से बोलो तो आवाज आई थी। सबसे घर जो रहते हैं हरे रंग का कुर्ता पहनकर, इनसे मैं आपका परिचय कराऊं तो यह अभद्रता होगी, क्योंकि इनके कारण हम सबका परिचय आपसे है। अगर कभी जगह धनकौर को किसी एक नाम से जानता है तो वो आदरणीय में पवन दीक्षित जी का नाम है। एक बार पूरा सदन अपने घर की तुलसी के लिए जोरदार तालियां बजाएं पवन दीक्षित। सबसे ये जो तीन बैठे हैं काले रंग के कपड़े पहनकर, इनको ये बताया गया था कि ये मंच है, यहाँ पर रामलीला भी होती है, तो इन्हें लगा कवि सम्मेलन चला तो ठीक है, लगा वहां में कुंभकर्ण लाना तो लेकिन आजकल वो तो करेंगे। तो ये उसी भूमिका में तीनों आए हैं। सबसे उधर जो स्टाइल मारते हुए टेढ़े से होकर राजेश खन्ना टाइप बच्चे बैठे हैं, उनका नाम अशोक चारण है। और पिछले एक दशक में हिंदी कवि सम्मेलनों को वीर रस के नाम पर माधुर्य के साथ कोई एक नाम मिला है तो वो राजस्थान की शौर्य भूमि का एक योग्य बेटा अशोक चारण आज पहली बार धनकौर में है। तो पहली बार धनकौर आता है, एक बार तालियां बजाकर बताएं क्या उनका कैसा स्वागत है। उनके बराबर में जो डरे सह में बैठे हैं वे पार्थ नवीन, मतलब इस युग के पार्थ है। वो कृष्ण के कहने पर डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं, वो कृष्ण से कहते हैं पहले तुम लड़के दिखाओ फिर अपन लड़ेंगे। अपने आप पे कोई रिस्क नहीं लेते, हास्य के बहुत लाजवाब रचनाकार है, बिल्कुल मस्ती से आपको सुनाएंगे और ये जो उमस का प्रकोप है इससे आपको मुक्त कर देंगे। पार्थ नवीन हमारे बीच प्रतापगढ़ राजस्थान से आते हैं, पैरोडी सुनाएंगे, प्रतिगीत सुनाएंगे और फिल्मी धुनों में ऐसी ऐसी बातें आपको कह जाएंगे जो आप मन में तो सोचते होंगे पर जबान पर कभी नहीं ला पाते होंगे। जोरदार तालियों के साथ पार्थ नवीन का स्वागत करें अपने बीच। उनके बराबर में जो बैठे हैं उनको लगा बाद में कोई उन्हें कुशल कहे या ना कहे तो उन्होंने खुद ही अपने नाम में कुशल लगा लिया। वो बहुत कुशल कवि हैं, कुशलता से कविता पढ़ते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वो सुनाते हैं और कम सुनाएंगे ज्यादा दूर तक की कविता सुनाएंगे। कुशल कुछ महात्रा गाजियाबाद से हमारे बीच है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उनके बराबर में जो बिल्कुल सीधा साधा मास्टर टाइप का आदमी बैठा है वो सुनहरी लाल तुरंत हैं। बहुत अद्भुत हास्य के कवि हैं, आप पहले भी उन्हें सुन चुके हैं, अगर पहले पसंद आए हो तो एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। फिर दो एक से कपड़े पहनकर जो कवितियां बैठी हैं उनमें से सबसे घर वाली है डॉक्टर भुवन मोहिनी। डॉक्टर भुवन मोहिनी मध्य प्रदेश से हमारे बीच आती है इंदौर से और इन दिनों हिंदी कवि सम्मेलन में अपनी त्वरा के लिए, अपनी हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती है। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर भुवन मोहिनी जी का। उनके बराबर में मनीषा शुक्ला बैठी है,
मनीषा शुक्ला मोहनता इंजीनियर है, मशीनों के बीच रहती हैं और कविताओं की जिंदगी जीती हैं। मशीनें और कविताएं, इन दोनों को एक साथ साधना इतना ही मुश्किल है जैसे जोड़ के आश्रम से दूर रहकर कोई एक पंडित चुपचाप अपनी साधना से धनुर्विद्या सीख रहा हो। जोरदार तालियों से मनीषा शुक्ला का स्वागत करें। और अंत में जो आइटम बैठा है, ये आइटम हिंदी कवि सम्मेलनों का झींगा लाला कवि, इसने अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए अपने बाल कटा लिए हैं, औरतों की तरह कुर्ता पहनने लगा है। अचानक कोई लड़का इनके पीछे पीछे चलता है तो उसको गलतफहमी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो इनका चेहरा देखता है तो उसका इस संसार से मोह हो जाता है। शंभु शिखर वैराग्य के कवि है, एक बार जोरदार प्रार्थना से शंभु शिखर का स्वागत करें। और मेरा नाम चिराग जैन है, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पाई हो तो आप थोड़ी सी तालियां देने के लिए भी हो जाए। कई बार गंगा जैसा क्या भाव